দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে। नमस्कार, सलाम वालेकुम, मैं हूँ रानी, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दबंग कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ सनम सईद के एक मूवी के गाने पर, और इस गाने का नाम है लग गईयां, और इस मूवी में स्टार कर है सनम सईद और अली कज़मी। सो ये मूवी है दोबारा फिर से, और ये 2016 की मूवी है। मैंने इस गाने को नहीं देखा है, मुझे इस मूवी के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं सनम सईद के कुछ मूवीज़ और कुछ ड्रामास देखूंगा, तो मैं इसके बाद दियारे दिल देखने वाला हूं, और मुझे इस मूवी को भी देखना है। तो अगर आपके पास और भी कोई रिकमेंडेशंस हो सनम सईद के एक्चुअली अमेजिंग टीवी शोज़ या मूवीज़ के बारे में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे चेकआउट करना चाहिए कि नहीं। मुझे पता चलेगा तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल यही। तो देखते हैं ये गाना कैसा है, क्योंकि केक आ रही है उनकी फिल्म, एंड मुझे उनका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है। तो यस, आई वांट टू चेक आउट ऑल दिस ऑल ऑफ हर फिल्म्स, बिकॉज़ शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस, शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पाकिस्तानी एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट इनटू द सॉन्ग इन 3, 2, 1 एंड गो। दिस इज़ सेलिब्रेटरी सॉन्ग, मुझे ऐसे गाने बहुत पसंद आते हैं। रंगों को देखिए कितना ब्यूटीफुली ये क्या गया है विजुअलाइज। ओह माय गॉड, शी लुक्स सो प्रिटी। लड्डू काजू बर्फी माय फेवरेट। ओ आदिल हुसैन, मैंने इस एक्ट्रेस को भी देखा है। रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है, नाजों पली है मीठी, गुड़ की डली है, चमकी चुनरी के नीचे दुल्हन चली। Oh my God, Sanam Sayid looks so beautiful. हमेशा सबको डांस करते हुए देखना चाहता था। मुझे ये गाना बहुत अमेजिंग लग रहा है। आई एम इन लव विद द सॉन्ग। कहना पाए दिल में भी रहना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए। कहना था कहना पाए दिल में भी रहना पाए, तुम जो आए। मुझे जाना है यहाँ पे, इन लोगों के साथ डांस करना है। आदिल हुसैन एज वेल, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। I love the fact that, you know, ऊपर से इसको क्या कहते हैं, टी पॉड्स हैंग कर रहे हैं, और मुझे चीज़ बहुत पसंद आई कि ऊपर जो है सब कुछ हैंग हो रहा है, यू नो, उसे क्या बंगाली में इसको लटाई कहते हैं, क्या कहते हैं यार, पतंग उड़ाने की उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ यार हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, बंगाली में उसको लटाई कहते हैं। तो वो यू नो दे आर हैंगिंग ऊपर से, और उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें, मैंने टीपॉट भी देखा, कुछ बर्तन भी देखा, बहुत यूनिक था जो पूरा सेटिंग था, माहौल था। एक सेलिब्रेटरी सॉन्ग है यहाँ पे,
खुशी का माहौल है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. डेफिनेटली इन दोनों की इंगेजमेंट हो रही है, मुझे पता चल रहा है, सनम सईद की और जो हीरो थे उनकी. तो इसी खुशी में, और मुझे पता नहीं था कि आदिल हुसैन भी है यहाँ पे, और वो जो एक्ट्रेस थी वो भी बहुत शायद बहुत फेमस है. मैंने उनको उनसे पहले भी देखा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. प्लीज़ नीचे कमेंट पे मुझे बताइए उनका नाम क्या है, क्योंकि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ और नहीं देख रहा था यहाँ पे, मेरी आंखें बस सनम सईद पे टिकी हुई थी, क्योंकि अभी तक उनको मैंने जो भी रोल्स में देखा वो ज़्यादा ग्लैमरस नहीं, यू नो, जिंदगी गुजार में तो बिल्कुल भी नहीं है वो, मतलब पूरा डायरेक्टली 360 डिग्री ऑपोजिट है उनका कैरेक्टर वहाँ पे. और यहाँ पे वो यू नो सज धज के इतनी सुंदर लग रही है, वो डांस कर रही है, एक टिपिकल हीरोइन जैसे दिखनी चाहिए. शी इज़ ब्यूटिफुल. आई मीन अभी मुझे पता चल रहा है, आई ऑलरेडी वॉज अ बिग फैन ऑफ हर, मुझे पता था वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे माय गॉड हर स्माइल है. मुझे उनकी स्माइल सबसे अच्छी लगती है, उनकी अट्रैक्टिव क्वालिटी लग रही है, लेकिन यहाँ पे उनकी आँखें, उनका यू नो शर्माना एक दुल्हन की तरह जो दिख रही है, वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है वहाँ पे. तो यस, माई आईज वॉज ऑल ऑन हर. आई लव द कोरियोग्राफी, वो बहुत क्यूट से स्टेप्स थे, और जिस तरीके से वो लोग डांस कर रहे थे, क्या हो गया मुझे बार बार बस हेडफोन सर पे रख के मैं बोल रहा हूँ. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो कोरियोग्राफी थी, जिस तरीके से सब माहौल सजा हुआ था, एवरीथिंग वाज फैंटेबुलस. आई लव एवरीथिंग. अब तो मुझे ये मूवी देखनी है. प्लीज़ बताइए अगर आप लोगों के पास कोई इनसाइटफुल चीज़ें हैं इस मूवी के बारे में बताने को, तो बताइएगा. प्लीज़ कोई स्पॉइलर मत डालिएगा, और मुझे बिल्कुल हेल्प कीजिए, बताइए मुझे मूवी देखनी चाहिए कि नहीं. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू चेक इट आउट. पर अगर आपके पास ऐसे और भी शोज़ के रिकमेंडेशन हो तो डेफिनेटली बताइए. मैंने अभी तक सनम सईद की दाम देख चुका हूँ मैं, जहाँ पे वो सपोर्टिंग रोल पे थी. उसके बाद उसके अलावा मैंने बताई जान भी देखी है, जहाँ पे वो फिर से सपोर्टिंग रोल में थी. तो उनके लीडिंग रोल में मैंने बस उनको क्या बोलते हैं, ज़िंदगी गुजार में मैं देखा है. उसके अलावा मुझे पता है दिया है दिल में है वो. तो और भी कोई अगर शोज़ है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ज़रूर देखूँगा, क्योंकि शी इज़ डेफिनेटली माई फेवरेट पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम. सो यस गाइस, दैट वाज माय रिएक्शन एंड थॉट्स. अगर आप लोगों को ये रिएक्शन और थॉट्स पसंद आया हो इस गाने के बारे में, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए आपके सारे सजेशंस, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए, और हेल्प कीजिए मुझे 6000 सब्सक्राइबर मार्क पहुँचने के लिए. मैं आप लोगों को दोबारा शुक्रवार को मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ.